बिलासपुर में स्थित आदर्श अकादमी के प्रबंधक निदेशक ज्ञान चंद ठाकुर की अध्यक्षता में विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आदर्श अकादमी बिलासपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय सेना में बतौर जवान चयनित हुए 10 युवाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर ज्ञान चंद ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर अक्टूबर माह में सेना द्वारा जिला मंडी के पटेल मैदान पर आयोजित की गई भर्ती में 10 युवाओं का चयन हुआ है। इन युवाओं में जिला मंडी से अनमोल, अभिषेक, सुनील, बंटी, ऋषु, जिला कुल्लू से रोहित, जॉनी, राजेश, जबकि जिला सिरमौर से निखिल का चयन हुआ है, जो कि अकादमी के प्रशिक्षकों के वह उनके माता पिता के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि उनकी अकादमी से मात्र 2 वर्षों की समय अवधि में करीब 40 युवा सेना में चयनित होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जब वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर आए थे तो एक वर्ष घर पर रहे। उन्होंने उस दौरान युवाओं को बेरोजगार घूमते हुए देखा, जिससे देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके दिल में एक बात आई कि उन्हें जब सेना के नियम व आवश्यकता का अनुभव है तो क्यों नहीं एक अकादमी आरंभ करें, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, जिससे युवाओं को एक नई दिशा मिलने के साथ साथ रोजगार भी प्रदान हो सके। वे स्वयं व अकादमी में कार्यरत प्रशिक्षकों ने युवाओं को कड़ा प्रशिक्षण देने के अलावा अध्ययन करवाना आरंभ किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज सामने देखने को मिल रहे हैं। आधुनिक युग में भी रोजगार की युवाओं को कमी नहीं है, मगर आवश्यकता उन्हें सही दिशा व मार्गदर्शन प्रदान करने की है। अगर किसी भी युवा का सेना में भर्ती होने का सपना है तो वह पूर्ण हो सकता है, मगर उन्हें अपने आप को दुशासनों यानी कि नशे की चपेट में आने से बचाना होगा। मेरा नाम अनमोल कांत शर्मा है और मैं सरका घाट मंडी का रहने वाला हूँ और 2 से 5 चली हुई अक्टूबर 2 से 5 में चली भर्ती में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं सिलेक्ट हो गया हूं। और मैं अपने आदर्श डिफेंस एकेडमी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके उससे सहयोग से ही मैं आज भर्ती हुआ हूं और धन्यवाद। और हमारी भर्ती मंडी में 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक थी, जिसमें कि हमने ग्राउंड की तैयारी की और सुबह हम 4 बजे ग्राउंड जाते थे और 7 बजे हमारा ग्राउंड कम्प्लीट होता था और उसके बाद हम रूम में आते थे। और उसके बाद हमें यही सलाह चाहूँगा कि सभी मित्रगणों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आर्मी की भर्ती में भाग लें और मैं इस भर्ती में पंजाब रेजिमेंट में सिलेक्ट हुआ हूँ। धन्यवाद।